अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां उत्तराखंड एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि साल 2021 के पेपर लीक प्रकरण के 47वें आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ एसपी चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी कसान खान लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके चलते उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। बीते 7 दिनों में लगातार छापेमारी कर एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एक 50,000 का इनामी अपराधी कासान, जो कि UK SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में इनामी था और ये यूपी का रहने वाला है, तो आज एसटीएफ की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसका जो रोल था इसमें, जो राजेश चौहान है, जो ओनर था जो प्रिंटिंग प्रेस का, उसका एक कर्मचारी था, प्रेस में काम करता था, और इसके द्वारा जो परीक्षा का पेपर था वो अन्य अभियुक्तों को निकाल कर दे दिया गया था। इसकी गिरफ्तारी के लगातार एसटीएफ के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे और पिछले हफ्ते भी इसका लोकेशन अलीगढ़ में आया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं किया जा सका, फरार हो गया था। तो लगातार एसटीएफ की टीमें इस पर दबिश दे रही थी इसकी गिरफ्तारी के लिए, और आज इसमें सफलता मिली है और इसको अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।